साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदर दफ्तर मुंबई मंज सपुज आज अख तकरीब यत मंज मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी तो हज कमेटी हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर आत मौके पे ये मुख्तार अब्बास नकवियन हज जुतुक ऐलान करान वोन जे आजमीन हेकन अजिक पे ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करित तचि तमो वोनमुत जे आजमीनन हिंद सहूलियत बापत तिछे हज कमेटी ऑफ इंडिया तरफ यम वरी कया संजीद कदम तुलना आमित युजन आजमीनन फरीज हज अदा करनस दौरान कुनि किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन आज मैं हज 2022 के अनाउंसमेंट के साथ ही आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे और जैसा कि अभी आपने एप्लीकेशंस देखी ये बात सही है कि हम लोग 21 इम्बार्केशन पॉइंट से इससे पहले जाते रहे हैं लेकिन इस बार हम सिर्फ 10 इम्बार्केशन पॉइंट से जो हज पिलग्रिम्स हैं वो जाएंगे और वो 10 इम्बार्केशन पॉइंट्स के साथ ही जो है वो कई स्टेट्स को जोड़ा गया है। कई इम्पॉर्टेंट स्टेट्स उसमें अलग अलग जगहों से जाएंगे। हालांकि सभी स्टेट्स की ये कोशिश भी होती है, कई चीफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ का इम्बार्केशन पॉइंट बढ़ाना भी चाहिए, रखना भी चाहिए, हम तो चाहते भी हैं लेकिन जो दुनिया के सरकमस्टेंसेज हैं, हमारे मुल्क के सरकमस्टेंसेज हैं, लोगों की सेहत और सलामती हमारी प्रायोरिटी है, उसके साथ ही साथ जो है वो जो भी पैंडेमिक प्रोटोकॉल है चाहे वो सऊदी अरब गवर्नमेंट का हो और चाहे हमारे सरकार का हो उसको भी हमें बेहतर तरीके से उसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करना है और लोगों की सेहत और सलामती को ध्यान रखना है। जो वीमेन विदाउट महरम जाती थी वो पिछली बार लगभग 3000 हज कर चुकी हैं और हमने उसमें विदाउट लॉटरी उनको जो है वो कहा है कि बगैर लॉटरी वो होंगी और जो जिन्होंने 2020 और 2021 में अप्लीकेशन दी थी वो एलिजिबल तो होंगी ही, उसके अलावा जो 22 के लिए करेंगी उनको भी जो है उनके साथ जोड़ करके जितनी भी होंगी वो जाएंगी। हमने कोशिश की कि हज का जो प्रोसेस है वो 100% डिजिटल हो, ट्रांसपेरेंट हो और थोड़ा ईजी हो सके। ये जो बहुत से उसमें जो है कंप्लाइंसेज होते थे, छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती थी लोगों को, गांव से भरने वाले को नहीं समझ में आता था कि क्या भरूं क्या नहीं भरूं, इसलिए इस बार हमने जो है वो हर जितने भी वक्फ सेंटर्स हैं उसमें हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स खुलवा दिए हैं। मैंने अभी डिसीजन किया है, कहा कि जो भी हज एप्लीकेशन हो सके वो आप उनकी मदद करिए और वहाँ से भरवाइए। वैसे हज कमेटीज़ के अलग अलग जगहों पर ऑफिस हैं। जो मोबाइल है हज ऐप हो गया है, इस बार जो इम्बार्केशन पॉइंट है उसमें अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, कोची है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई है और श्रीनगर। तो सभी हज के यात्री हैं उनको डिजिटल हेल्थ कार्ड मिलेगा, ई मसीहा जिसे कहते हैं, जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है मक्के में मदीने में ठहरने की, बिल्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, उसकी सबकी जानकारी ई टैगिंग के जरिए जो है यहीं मिल जाएगी। उनको पता रहेगा कि किस बिल्डिंग में उन्हें ठहरना है, किस रूम में ठहरना है और उनकी फ्लाइट जो है वो उनका जो उनका बैगेज जाएगा वो भी जो है उस पर ई टैगिंग रहेगी। श्रीनगर में आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती हिंद सदारत में कोर ग्रुप मीटिंग मुनद सपज दौरान वादी हिंदिस मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिनस अलावा पार्टी हिंदन अंदरूनी मामलन हवाल कथन दल दिनाओ यलजन मीटिंग दौरान आगरा तो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में तलब इलमन खिलाफ इंतजामिया तरफ शुरू करना आमच कार्रवाई तैर बहस अन्न आई यद दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती मीटिंग में मौजूद कमेटी मेम्बरन हिंस राय हासिल कर श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद जनान विंग तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यद दौरान एहजाज में शामिल लीडर तो वर्कर तलब इलमन हिंस रिहाई हिंस मांग करान एहजाज में शामिल लीडरों तरफ वनना आमुत यदवई कशन तलब इलमन खिलाफ यूपी पुलिस तरफ फर्जी केस दर्ज करना आव ताहम चुन मरकजी सरकार तरफ अत मामलस कुन कान जोन दिना आमुत यमकिन वालदेन में तशवीश पैद सपुदमुत
यदवे मुजाहरीनों तरफ अत मौक पर लाल चौक कुन मार्च कर कोशिश कर आई ताहम चुन पुलिस तरफ तिम नवाई सुबह पे ब्रोह पकन इजाजत दिन आम रेडिक्यूलस जो उन्होंने ये किया है उनके खिलाफ सेडिशन केस चार्ज किए हैं, ये बनता नहीं है। लेकिन क्या करें, इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सारे कानून अपने हाथों में लिए हुए हैं, उनको जहाँ पे जो लगता है अच्छा उनको वैसे ही कानून उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाती है गलत तरीके से। किए हैं जो रिटायर्ड जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुप्ता, उन्होंने कहा ये रेडिक्यूलस है जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के जरिए से ट्वीट आया है कि तो और उनके खिलाफ ये चार्ज जो किया है सेडिशन चार्ज उसके खिलाफ उनको बंद किया है। हमने कहा है उनसे आप देखिए योगी जी, आप पढ़िए, आप वकीलों के साथ बात कीजिए, आप जस्टिस के साथ बात कीजिए, जजों के साथ बात कीजिए, फिर देखिए सेडिशन बनता है कि नहीं बनता है। जम्मू कश्मीर बैंक सत मुनसलिक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहजाजी मुजाहरे कर आमुत यह दौरान एहजाज में शामिल नौजवान इंसाफ फराहम कर मांग करान एहजाज में शामिल नौजवानों तरफ वन आमुत यदवे तिम कया वरी बैंक सत मुनसलिक आसन पत तनख्वाह में इजाफ सपदन उम्मीद ताहम तिंदिस तनख्वाह में कटवती कर आमुत यम किन तिम सड़कन पे यस मजबूर सपद एहजाज में शामिल नौजवानों तरफ एल जी इंतजामिया मांग कर आमुत जत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन तिम बुथिन वल मुश्किल दूर कर सर हम सारे हैं गन, चाहे यहाँ पे गनमैन है, चाहे बैंक गार्ड है या एटीएम गार्ड है। हमारी जो प्रॉब्लम है अभी, हमारी जो पिछली कंपनी थी वो हमें मुआवजा देती थी 7,500, मगर जो है जेके बैंक ने अभी नई बैंक नई कंपनी को जो है टेंडर दिया है डाटर कंपनी को, वो हमें बोल रही है कि आपकी तनख्वाह जो है आज से 5,500 है, तो हमारी तनख्वाह में जो है कटौती हो गई 2,000 की, और जो है गनमैन की तनख्वाह में 2,500 की कटौती हो गई। और हम अब पुरजोर गुजारिश करते हैं चेयरमैन साहब से, जेके बैंक से, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है हमारे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के जो है उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे बाल बच्चे हैं, क्या हमें उन्हें भीख मंगवाना है उनसे, या तो हमारी तनख्वाह पूरी कीजिए वरना हम यहीं पर बैठ के मर जाएंगे। आल जम्मू एंड कश्मीर पीडीएल टीडीएल इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉज यूनियन तरफ आज वर्मलिस में एहजाजी मुजाहरे कर आमुत यह दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम कर मांग करान एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवे महकमे बिजली में काम कर वाल कया डेलीवेज मुलाजिम आज तमाम जाम बाग सपद ताहम महकम तरफ तिंदिस हकस में कह संजीद कदम तुल आमुत यम किन यूनियन एहजाज कर पे मजबूर सपज एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत जत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन तम दुबार सड़कन पे यस मजबूर सपदन पे ऑल जे एंड के पीडीएल टीडीएल इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन की रिप्रेजेंटेशन और बाकी पीडीएल टीडीएल वर्कर्स यहां पे आए हैं। हम यहां पे इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले दिनों हमारे एक डेलीवेजर भाई शहीद हो गए, मुश्ताक अहमद डार साहब, तो इसी के रिलेटेड हम अपने डिपार्टमेंट के हायर अप्स के रिलेटेड जो है प्रोटेस्ट पे आए हैं यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी हम देखते हैं कोई भी अगर डेथ हुई है या कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ है या कोई इलेक्ट्रिक्यूट हुआ है तो उसका जो निचोड़ निकलता है
वो होता है नेग्लिजेंस, हमारे हायर अप्स या इमीडिएट ऑफिसर्स जो हैं उनकी नेग्लिजेंस। तो इसी नेग्लिजेंस के खिलाफ हमने आज जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम रखा था, इसी के जमीन में हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आए हैं यहाँ पे, गोरखोज भी कर रहे हैं कि कैसे और क्यों हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। अफसोस का मुकाम ये है कि हमारे जो अफसरान हैं, इमीडिएट ऑफिसर्स हो या हायर ऑफिशल्स हो या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं, वो शायद कि समझते हैं ये यहाँ पे जो भेड़ बकरियाँ हैं उनकी जाने जा रही है। पॉलिसीज पे पॉलिसीज तो बता रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहे हैं, एसओपीज बोल रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, सेफ्टी टूल्स के लिए बोल रहे हैं लेकिन सेफ्टी टूल्स अवेलेबल नहीं है, सेफ्टी किट्स की बात कर रहे हैं सेफ्टी किट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जो काम पीडीएल टीडीएल से लेना चाहिए वो काम छोड़ के टेक्नीशियन वाला काम लिया जा रहा है। तो गुजारिश यही रहेगी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि एटलीस्ट अगर ऑफिसर अच्छे नहीं बन रहे हो तो कम से कम इंसान अच्छे बनो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज करना कुपवरस मं कन्वेंशन सांस करना आमुत यथ मज पार्टी सरबरा मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमो लीडरों अलाव पार्टी वर्करों शिरकत कर अत मौकस पे ये वर्करन पे जोर दिन आव तम गलस मं पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुक सान कम करें तत मोहम्मद अल्ताफ बुखार पी डी पी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कुन इशारे दिवान वोनमुत इमन पार्टी हिंद जिम्मेदार पज तौब कर लूकन जम्मू कशीर हिंस असलियत बयान करें। स्टेटहुड हम कमिटेड हैं, हम जरूर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इसको लाएंगे। अब ये कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, हम मैं उस बहस में पड़ता नहीं हूँ। मेरे लिए ये है कि मेरा वादा अल्लाह करे पूरा हो जाए जो लोगों के साथ है, और मैं आपकी वसात से लोगों को कहता हूँ अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी का वादा जरूर पूरा होगा, क्यों हमने जो वादे दो और किए थे वो पूरे किए, इंशाल्लाह जरूर। मैं अपने बच्चों से भी गुजारिश करूंगा मैच को मैच की तरह ही एंजॉय करें, और सरकार से भी कहूंगा बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करें, बच्चे बच्चे होते हैं, इसलिए मैं बच्चों से भी कहूंगा कि मैच मैच ही होता है, और सरकार से भी कहूंगा कि वो बच्चों को बच्चों की तरह। डोडस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीबी हूं सन्ज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो कारकुनों शिरकत कर अत मौकस पे ये खालिद नजीब नायब सदर जम चारना आये तत तकरीबी दौरान पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आमुत यन खालिद मुजीबन अत मौकस पे वो पार्ट तरफ तिमन जिम्मेदारी दिन आमुत तो तिम करन कोशिश जिम्मेदारी निभावनिच यत जन पार्टी सोबस मज मजीद मजबूत बनावने यी। जो आदमी शख्स जितनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता है अपने आप कद भी बढ़ता है। अब सूबे की ही जिम्मेदारी है तो लोगों तक पहुंचना, हर जगह पहुंचना है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर भी है और जो उसकी उसका प्रोग्राम है उसको लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए पार्टी को गियर अप करना है, तो ये जिम्मेदारियों में शामिल होता है। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, ये लोगों की तरफ से सवाल है, जब इलेक्शन की घंटी बजती है सारे लीडर लोग जो हैं वो चुनाव खिते का दौरा करते हैं, हाल ही में महबूबा मुफ्ती जी भी यहाँ से चले गई हैं, तो क्या बताना चाहोगे, ये सिर्फ इलेक्शन के दौरान चुनाव रैली को याद किया जाता है? देखिए आजकल दौरों से चाहे आजकल भी पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में मिनिस्टर घूमे हैं, और घूमे कहाँ हैं, मुख्तलिफ जहाँ कोई गुलमर्ग जा रहा है, कोई पहलगाम जा रहा है, कोई सोनमर्ग जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, तो वो सिर्फ कश्मीर देखने आते हैं, अमलन उन्होंने कुछ किया नहीं, ना उन तक कुछ है। जो कुछ उनको पार्टी आरएसएस या दूसरी तंजीमें कहेंगी जम्मू कश्मीर के लिए वो करेंगे, बाकी जो ये सारा दिखावा है, और अभी तक इन 7 वर्षों में हमने कुछ नहीं देखा है, तो आगे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और ये जो इलेक्शन हो या ना हो ये दौरे करेंगे, लेकिन ये सब सिर्फ जुमले हैं। नानर त्रालस मज तम सात रिहायशी मकान खाकस तर सपूदमुत ये अचानक नार जाहिर सपूद वन नानर त्रालस मज दौरान मोहम्मद अशरफ नजार तो तारिक अहमद
नजार सिंदिस रिहायशी मकानस मज अचानक नार जाहिर सपदमुत यम के जदस मज पूरा मकान हेनाव यदवई मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पेट कोबू प्रावन आव ताहम चु नार वरदात मज साज सामान नार बुझ सपदमुत यपर चु मुतासिर अयालो तरफ इंतजामिया मांग कर आम जो मुतासिर लूकन गज फूरी इमदाद कर युन युन तिम वंद रचन दौरान मुश्किल वेतरन पेन कल शिंगित अचानक गई नबर कि क्रेकूच पे जाए नबर कुन युद्ध वह मेज़ अंदरक बे खानदार बे मोज बहुत द्रोस वापस बह गोस तिमन अन्नि तीस कलस सोर यह मकलमुत दरित द्रे नबर कि वन नार यह सोनस मकानस नार पत द्रे नबर पे फायर सर्विस यीस कल तीत कल यह सोरे मकलम अच्छा रूद ना कहें यह क्या सो खन चन सोरे तमाम मकलो सोरे पलो वलो सोरे कहें वह बेस ये हमसाय सब पलो लगे तो मे शिंगमित तम सा पलो मे लगे तीत बचुम बाकी ना कहें तो मेहरबानी कर इमदाद यन दी नजर हाकिन तुम वात तो यह कत मेहरबानी कर मदद इन गो सर रत कित गो नार इजहार तकरीबन शोंगने पद अख घंटे डोड घंटे गुमत कह साढ़ कह अचानक गो नार जबरदस्त अत मतलब गैस सिलेंडर आमन गि तम तट हेरी बन गो नार मकानस पत ओर यो गो गाम वाम जमा वगर शगर तो मगर अस नार कबू कर नार उस तमे यमो रूद बिचार कहें ये आंगन मेत पत्र बी ननि पथर दम मजूर कर छानक बिचार वार तो शाम अयालस पाल दानि सुत दुद बान बर्तन सुत कहें कहें नल जड़ तहें वन गुजारिश कर गवर्नमेंटस डी सी साहबस एडिशनल डी सी साहबस तमाम अहला हुकाम कि अगर तुम मेहरबानी करू इन बिचार करू कह इमदाद क्या मंदराजन मज ग क्रालपुर चोरस मज जंगली जानवर हिज मौजूदगी सत बस्ती मज आने पत् मुकामी लूकन मज खौफ दहशत वुचन तो महकमे वाइल्ड लाइफ तरफ जंगली जानवर कबू कर हवाले कई कदम तुल आमित तत महकमस तमि सात कामयाबी हासिल सपजम आज अख जंगली जानवर महकम के अहलकारों तरफ कोबस मं कर आव यन जमींदारों तरफ लूकन वन आव जलाकस मन कैचन जंगली जानवर हिंद मौजूद आन खदश तो आम लूकन तो आम लू ग फेरनस थोरनस मज एहतियात वर्तन हमने यहाँ करालपुरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेरी हॉर्टिकल्चर का यूनिट है उधर चल रहा है वहाँ तो कुछ दिनों से हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ लेपर्ड घूम रहा है तो हमारा स्विफ्ट हमने एक्शन ले ली हमारा हमने उधर केज इंस्टॉल किया उसके पग मार्क्स वगैरह स्कैन करके इसका ट्रैक आइडेंटिफाई करके हमने बिल्कुल 24 घंटे में इसको दबोच लिया है वहाँ एज रिपोर्टेडली वहाँ एक दो और घूम रहे हैं हमने एक दो केज और इंस्टॉल किए हैं इंशाल्लाह इनको भी हम विद इन डेज दबोच लेंगे जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन होगी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी कि मेहरबानी करके 700 मेरा नंबर है 7006295157 डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में कहीं भी ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे कॉल करें तो हम फौरन पहुंचेंगे उसको दबोच लेंगे खजबाग मलूरा श्रीनगर में कायम मिडल स्कूल में जेर तलीम तलब इलमों तरफ आज एहजाज मुजाहरे कर आमुत यद दौरान एहजाज में शामिल तलब इलम इंसाफ फराहम कर मांग करान एहजाज में शामिल तलब इलमों तरफ वन आमुत ज इंतजामिया तरफ स्कूल नजदीक पावर ग्रिड स्टेशन कायम कर हवाल से इंतजामिया तरफ कदम तुलना आमित यम किन तलब इलमन तो वालदेन में तशवीश पद सपुद तलब इलमों तरफ एल जी इंतजामिया मांग कर आम संजीद कदम तुलने यन युन तलब इलमन तो वालदेन में पद सपुद तशवीश दूर कर ये ख्वाजाबाग मलूरा श्रीनगर की जगह है यहाँ पर ग्रिड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसलिए हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट स्किल के यहाँ पर ग्रिड ना लगे हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है ग्राउंड की वजह से हमारा ग्राउंड नहीं है यहाँ पर ग्राउंड है हमारा आप यहाँ पर ग्रिड ना लगाए और हमें कल पढ़ना आने हैं यहाँ पर फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इस ग्रिड की वजह से इसलिए हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर मेरी ये गुजारिश है सबसे कि यहाँ पर ग्रिड नहीं होना चाहिए हरगिज़ होना नहीं चाहिए कि यहाँ पर छोटे बच्चे आते जाते हैं यहाँ पर मतलब हो सकते हैं वो यहाँ पर आ जाए मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल में भी
यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो गया अगर यहाँ पर एक ग्रिड हो जाए आगे वाले, हमारे लिए जानलेवा बन सकता है। और हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ग्रिड है वो नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है आगे फ्यूचर। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ पर स्कूल में फर्स्ट जनरेशन स्कूल में हमारे माँ बाप ही अनपढ़ है। हम ये नहीं चाहते कि आप लोग यही चाहते हो कि हम भी अनपढ़ बन सके, मतलब हमें पढ़ने का शौक है, हमें क्या डॉक्टर बनने का शौक नहीं है, हमारा इंजीनियर बनने का शौक नहीं है, मतलब हम यही हमारी गुजारिश है सबसे, मतलब कि यहाँ पर ये नहीं बनना चाहिए। हमारी मेन प्रॉब्लम है यही कि हमारी प्रॉब्लम को रुका सकता है, मतलब हमें वो तकलीफ दे सकता है, मतलब ये हमें पढ़ाई में आगे नहीं दे रहे। پوشناری شانگس اننت ناگ کیو لوکو طرف چھ شکایت باوان ون آمد یدوے علاقس من بجلی لانن ہز خستہ حالی حوالے کئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرنا آو تاہم چھ آج تام کھان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوک مشکل من ہین آئی مقامی لوکو طرف چھ انتظامیہ مانگ کرنا آمد علاقس من ترسیلی لانن ہز شہر پور کرنس حوال گھن سنجید قدم تلن یین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرن یین आपने खुद देखा है कि 24 अक्टूबर जो बर्फबारी थोड़ा हुई है तो सब तार गिर हो गई है, खंभे गिर पड़ी है, 2-3 दिन तक यहाँ पावर नहीं चली है। आप लोग हम यही चाहते हैं कि आपकी वसादत की से, आपकी मेहरबानी से ये पैगाम PDD के आला हुकाम तक पहुँचे कि हमें दूसरा ट्रांसफार्मर तार और खंबे नस्ब करें। यह पे वह ना तार तो ना चीज क्या मुश्किल कहन तेंगुल वतन मन यह जादन ये ट्रांसफार्म ये तावनस लगमित अस पे करतन इंसाफ वनकन वक्त गवर्नमेंट करतन अस पे इंसाफ अस दीतन ट्रांसफार्म ब्या ट्रांसफार्म ना तार ना पोल अस जबरदस्त मुश्किल मान पावर बतन मे ये गुन ब्या ट्रांसफार्म अत सोन मुश्किल उसन पटनिको लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुत यदवे इलाक मज चनाब वसई दूर करने सवाल कैया वरी ब्रो टंकी तमीर करने आई ताहम चुना आज ताम ये टंकी इस्तेमाल मज अन आमुत यम किन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करने आमुत इलाक मज लूकन साफ चनाब फराहम करनेस हवाल गसन संजीद कदम तुलन यन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन ये टंकी तकरीबन 8 साल से बनी हुई है, इतना पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ने इस पर, लेकिन कोई फायदा नहीं रहा है, सब पैसा बेकार है, गांव परेशान है, यहाँ के लोग परेशान है, तकरीबन पूरी मेरा मतलब गोश्तों का अंदरगाम पर ये सब परेशान है पानी के लिए, बार बार इनको बता दिया गया जो नल वाले यहाँ पलम्बर है इनके इनको बता दिए, इनके वसाद से उनको फोन किया गया कि भाई हमारी ये परेशानियाँ हैं, धरना दिए गए हैं और अपने धरना दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला, कोई फायदा नहीं। ये बैठे सब कहते हैं हाँ करेंगे करेंगे, सरकार कहती पानी दे देंगे, बिजली देंगे, ना बिजली है ना पानी, कोई चीज़ नहीं, सरकार की तरफ से भी कोई फायदा नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आपको लगता है ये गवर्नमेंट का पैसा जाया है यहाँ? हाँ ये जाया है, इनको कह दो गवर्नमेंट से, कह दो टंकी उठाओ और जाओ कहीं फेंक दो इसको, हम वैसे ही ठीक है, नदी का पानी पीते थे हम आराम से जिंदगी गुजारते थे, टंकी बना दी है कोई फायदा नहीं निकला है, हमको धोखा दिया, धोखे के बगैर इनके पास कुछ ही नहीं है, सिर्फ धोखा है, जहाँ देखो वहाँ धोखा है, चाहे पानी हो बिजली हो, सिर्फ कहते हम दे देंगे बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, नल दे देंगे, लेकिन सिर्फ पाइपें देते हैं, पोल देते हैं, लेकिन बिजली नहीं, पानी नहीं, क्या लाते हैं, बैठी हुई नदी से पानी लाते हैं, वही पीते हैं, चाहे जितना ही उसमें होगा, थोड़ा सा ये होता है बारिश बरसती है पानी आता है वही पीते हैं, अब थोड़ा सा नल में आता है, थोड़ा सा आता है सुबह से, और किसी किसी के घर में आता है। इस वक्त क्या आपकी रहेगी जो गवर्नर इंतजाम है, क्या डिमांड रहेगी? डिमांड हमारी यही है, हमें बिजली जल्द पानी दे दो, और हमारी क्या डिमांड है, और हम कर भी कह सकते हैं, क्या भी कह सकते हैं इसके बगैर, कत हो जाए, ये हमारा काम नहीं है, आपका काम नहीं, सरकार का काम है, सरकार को पता है पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है, सरकार को पता है चीफ इंजीनियर इतना पैसा खर्च किया, चीफ इंजीनियर ये आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया है, मेरे गांव वालों ने नहीं किया, गोशबुक में टंकी बनाई है चीफ इंजीनियर ने पैसा खर्च किया है, अगलर में टंकी बनाई चीफ इंजीनियर ने पैसा किया, हमने पैसा खर्च नहीं किया, गवर्नर को पता है चीफ इंजीनियर ने पैसा खर्च किया, गवर्नर क्यों नहीं बोलता उसके पैसा कहाँ रखा था, क्यों घुसाया किया इसको, अगर आपके पास पैसा नहीं था, अगर एक टंकी के लिए पैसा एक ही बना दो, अगर दो टंकियों के लिए पैसा है तो दो ही बना दो, जरूरी नहीं था सब लोगों को बनाने के लिए, सब जगह पर बनाने के लिए सबको धोखे में रखा है, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है
जितनी है उतना ही करो, जितनी नहीं है वो करने की क्या जरूरत है। आब कह आब चवान यह टैंकी गयास ठ अस न गई नी टैंकी तार कलन पे सारा रेडन मज़ आब मैटन मज़ आब अच्छा सख्ती योर अच्छा नलकन आब नोट नोट सहत चमो सख्ती पावर सख्ती तो नाजरीन इस वोत कशर खबरनामान दीव इजाजत खुदा हवाल।